हेलो स्टूडेंट विक्लम अगेन हाँ इन पान इलेक्ट्रिकल पावर से पावर बुनियादी तौर पर होंद चाहे ठीक है पावर के पान डिफाइन की ना क्यों इनके पास हाँ जो सिंपल कॉन्सेप्ट कें भी पावर जो वो आए द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर इतने अस इलेक्ट्रिकल पावर की गाल क्यों तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय चार्ज की गाल कबो है ना। अच्छा तो पावर के डिफाइन पान क्यों था वर्क अपॉन टाइम कंखे भी इं ही कबो पुट या कें भी पावर के एनर्जी अपॉन टाइम के हिसाब से गल कबी है एनर्जी अपॉन टाइम लिखो या वर्क अपॉन टाइम लिखो तो यूनिट जो इतना ही ठही ना डायरेक्ट यूनिट जो वो तो इनको वाट आ पर फार्मूला के लिहाज का वो तो जूल पर सेकेंड एकड़ो वाट पावर तदे होंद जैसे एकड़ो जूल वर्क डन थे एक सेकेंड के दौरान तो चाहता द पावर इज टू बी वन वाट। अच्छा हाँ इन इलेक्ट्रिकल पावर के पा सिंप्लीफाई कर सकूंता हाँ क्या जी तो वर्क पर यूनिट चार्ज वोल्टेज होंद तो वर्क के बजाय तुम वी इंटू क्यू लिखो तो ये जो पावर है तुम बुनियादी तौर पर वी इंटू क्यू अपॉन टी अरेंज कर वी सागो क्यू अपॉन टी हाँ वी सागो रेट ऑफ करंट माना रेट ऑफ चार्ज माना करंट तो पावर की डेफिनेशन इतना वरी बी थी कड़ी डेफिनेशन थी इतना द प्रोडक्ट ऑफ वी माना वोल्टेज ए आई माना करंट तो इनके भी पान चे सकूँ था ये बुनियादी तौर पर पावर आ अरे ही जो पी इज इक्वल टू वी है इनमें आर या रेजिस्टेंस को तो जनरली पान गाल कंदासी इट इज द पावर यूज्ड फॉर द सोर्स जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना उनके लिए इस्तेमाल कर हाँ जो पान गाल कयूं फॉर लोड लोड के लिए पान पावर के कहीं वठंदासी तो गालियों ब गालियों हेंगे वी के बजाय तुम रखो आई आर एसो तो पावर जो फार्मूला कें वही बीहे तो पी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर लिखो बाकी बो आए सागो आ तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये थो बी पॉसिबिलिटी आए तो आए के बजाय आए जो वैल्यू रखो वी अपॉन आर तो हाँ पावर छो वी सागो आए जो मतलब आ वी अपॉन आर वी इंटू वी थो वी स्क्वायर तो थो वही वी स्क्वायर अपॉन आर हाँ इतना पॉसिबिलिटी हर शे की पी है ये तो चवे तो इफ आई इज कॉन्स्टेंट माना जो करंट कॉन्स्टेंट होंद तो चई सके तो जो पावर आ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंद आर सा। अच्छा ही फार्मूला तो चवे तो इफ वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट माना जो वोल्टेज तुम कॉन्स्टेंट रखो था तो पावर जो वो होंद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय हाँ वो चाल लिखो पुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ हाँ वह कड़ी कॉम्बिनेशन आ जैमें तुम करंट रिमेन सेम रखो था सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यह गाल में रखो ही कॉन्सेप्ट पान इस्तेमाल कंदासी छा में सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कड़ी कॉम्बिनेशन जैमें वोल्टेज रिमेन सेम पैरेलल में तो ही पान यूज कंदासी छा जे ला पुट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर रेजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही आ सीरीज में ही आ हाँ इलाही सारा लोड है खबर एक रेजिस्टेंस ही आ ही आ हाँ बैटरी से तो कनेक्ट कर तो खबर है पुट जैसी रेजिस्टेंस वधीक हुंदी उनमें पावर वधीक लॉस थी ए ही जो कॉन्सेप्ट ही पान वूँ पावर लॉस ही जो भी हाँ पान वूँ इनके पुट चबो आ पावर लॉस माना ही अवे लिखो ही असल में पावर लॉस आ ही बुनियादी तौर पर पुट पावर लॉस जो फॉर्मूला है हाँ पावर लॉस मेयर कें कर सके तो पावर लॉस जो बुनियादी कॉन्सेप्ट कें होंद सिंपल आ जो भी पावर तुम दियो था उन माइनस कयो जेको पावर तांखे मिलियो आ माना पावर इनपुट मां पावर आउटपुट माइनस कयो जेको भी तांखे जवाब मिले तो उन जवाब के पान चवंदा पावर लॉस ए जेको पावर लॉस आ वो डिपेंड करे तो
कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स जो तां की रखियो जेकॾहिं ब लोड पैरेलल में रखिया वञन तो वधीक पावर लॉस कें ते थींदो जंहिं जी रेजिस्टेंस घट हूंदी पैरेलल में वरी ईअं ठीक आहे छाकाणि त पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम जेकॾहिं वोल्टेज रिमेन सेम त पोइ पावर लॉस जे लाइ पाण इहो ॻाल्हि कंदासीं त पावर लॉस खे पाण हिन तरीक़े सां डिस्कस करे सघूं था त हीउ हिकिड़ो सिंपल कॉन्सेप्ट आहे पावर लॉस जो ठीकु अच्छा पावर जॾहिं तव्हां ॾियो था त बुनियादी तौर ते एनर्जी जो बि ज़िक्र थींदो आहे ऐं उहा एनर्जी जेका इलेक्ट्रिकल पावर सां एसोसिएटेड हूंदी आहे उनखे पाण चवंदो आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी त हाणे वरी अचूं था हिन ॻाल्हि ते त वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीअं पाण इलेक्ट्रिकल पावर जी ॻाल्हि कई न ईअं वरी आहे वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी जो बुनियादी तौर ते मतिलबु छा आहे ॾाढो सिंपल पुटु पावर खे मल्टीप्लाई कयो टाइम सां तव्हांखे एनर्जी मिली वेंदी त हितां तव्हां जेकॾहिं सिंपल कयो त एनर्जी इज़ इक्वल टू पी इंटू टी सिंपल इहो लॻो त एनर्जी जे लाइ पाण कहिड़ी ॻाल्हि कंदा आहियूं एनर्जी जो कॉन्सेप्ट कयो पुटु द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इहो बुनियादी तौर ते छा खे ज़ाहिर करे थो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खे ज़ाहिर थो करे ईअं न त पोइ यूनिट तव्हां इतां ई ठाहे सघो था डायरेक्ट यूनिट आहे जूल पावर जो यूनिट आहे वाट टाइम जो यूनिट आहे सेकेंड त हिनखे असां वाट सेकेंड बि चऊं था जेकॾहिं मां वॾो यूनिट वठो था कमर्शल यूनिट वठो था कमर्शल यूनिट वठो था त पोइ इहा तव्हांखे हिकिड़ी सादी ॻाल्हि वठणी आहे त पुटु हिन जो कमर्शल जेको यूनिट आहे उहो हूंदो आहे के डब्ल्यू एच माना किलो वाट आर ऐं हिकिड़े किलो वाट आर जो मतिलबु आहे 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल या 3.6 वरी पाण मेगा जूल चऊं इहो सम्झी सघे थो त हीउ हिकिड़ो सिंपल कॉन्सेप्ट आहे जेका पाण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे हिसाब सां डिस्कस कयूं था हाणे हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि जेका आहे उहा बि तव्हांखे रखणी आहे त जॾहिं करंट फ्लो थींदो आहे वेन करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स में जॾहिं करंट फ्लो थींदो आहे त पोइ इहा ॻाल्हि ध्यानु रखो त इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि उहो कोलाइड कनि था छा सां विथ देयर एटम्स या विथ देयर मॉलिक्यूल एटम या मॉलिक्यूल सां हू कोलाइड थियनि था नतीजे में दीस लूज देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हू पंहिंजी एनर्जी खे लूज़ कंदा ज़ाहिर आहे जेके पोटेंशियल खणी अचनि पिया न हू लूज़ था कनि ऐं इट इज़ गेन बाय एटम या मॉलिक्यूल छा था कनि गेन कंदा सो देयर काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज़िस काइनेटिक एनर्जी वधे थी हैंस दे वाइब्रेट उहो वाइब्रेट था कनि सो तंहिंजे करे पाण चऊं था सो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड तंहिंजे करे पाण चऊं था हीट पैदा थींदी आहे ऐं इहो ई रीज़न आहे जेको तव्हां हीअ लाइनूं लिखियूं इहो ई रीज़न आहे जो हिन लाइनूं जेके तव्हां हीअं लिखियूं पुटु हिनखे चइबो आहे करंट काज़िज़ हीट इहो ज़हन में रखो तव्हां करंट काज़िज़ हीट इन वायर जॾहिं वायर में या तार में करंट फ्लो थींदो आहे त हू लाज़मी तौर ते हीट प्रोड्यूस करे थो ऐं उन हीट खे पाण ईंदा लिखूं हीट माना एनर्जी ईअं न हाणे जेका हीट प्रोड्यूस थी आहे उहा पाण कीअं लिखूं त हीट उहा एनर्जी आहे जेका एसोसिएटेड हूंदी आहे बुनियादी तौर ते छा सां पावर लॉस सां माना जेतिरो पावर लॉस वधीक थींदो हीट ओतिरो वधीक एनर्जी पैदा थींदी त इहो ॻाल्हि करे सघिजे थी त जेका हीट आहे इहा बुनियादी तौर ते इज़ इक्वल टू छा हूंदी आहे हीट माना डेल्टा क्यू इहा बुनियादी तौर ते हूंदी आहे पावर लॉस मल्टीप्लाई बाय टाइम छाकाणि त एनर्जी इज़ इक्वल टू पी इंटू टी न त जेतिरो पावर लॉस थींदो ओतिरो हीट पैदा थी पावर लॉस छाजे करे थियो हीउ सभु कुझु तव्हांजे साम्हूं पुटु लिखियो आहे हाणे पावर लॉस ॿिनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे न सीरीज़ में अलॻि पावर लॉस आहे पैरेलल में अलॻि आहे त पोइ हीट जेका प्रोड्यूस थी आहे उहा सीरीज़ में अलॻि आहे ऐं पैरेलल में अलॻि आहे त सीरीज़ में असां हिनखे हीअं था लिखूं ऐं पैरेलल जे हिसाब सां जेकॾहिं लिखूं त इट वुड बी वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी तव्हां ईअं लिखो था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐं हिन में पाण लिखूं था छा में पुटु पैरेलल कॉम्बिनेशन में
अच्छा कदें कदें खबर अच्छा थी अस जाने वाणे हीट प्रोड्यूस क्यों था जी हीटर आ हीटर में बुनियादी तौर पर प्रोड्यूस्ड ही हीट कबी है तो बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट जो तक पढ़ाया हूँ वागर जाने वाणे अस बेड कंडक्टर इस्तेमाल क्यों था जी वध में वध कोले इन इलेक्ट्रॉन से उतरे वध में वध पान हीट प्रोड्यूस कर सकूँ तो डू रिमेंबर हीटर के हिसाब से स्पेशली जैसे गाल कजें ना अकेलो हीटर हीटर के हिसाब से गाल कजें जो बुनियादी तौर पर हीट प्रोड्यूस कह तो हीटर में अस यह गाल सिंपली अकेलो डिवाइस है नुट तो आई स्क्वायर आर इंटू टी पानी का लिखूँ वाटर हीटर की स्पेशली जैसे गाल कर इलेक्ट्रिक हीटर है सिंपली पर जैकड़ें तुम वाटर हीटर की गाल कर तो वाटर हीटर में पानी गर्म करण के लिए एनर्जी दिबी है तक पढ़ायल पुट द हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट तो एम सी डेल्टा टी लिखो बाकी हेडा वजी आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखो तो हीटर में अस जाने वाणे हीट प्रोड्यूस क्यों था तो उत वरी अस सिंपल कॉन्सेप्ट वूँ इन पावर जो तो पुट पावर जो सिंपल कॉन्सेप्ट है तो वो तुम सप्लाई था क्यों पावर हों को पा सप्लाई था क्यों जैसे बो पावर हों को लॉस थे तो जो पावर लॉस थे तो उनके पा चाहूँ पावर डेसिपेशन हि जो भी तुम हिंसर गाल कई पे पावर लॉस की इन लफ्ज इस्तेमाल कब पावर डेसिपेशन ठीक पुट अच्छा तो हि इलेक्ट्रिकल पावर तुम थी वो हाँ इनमें इलाही सारा एम सी क्यूज अची सकन था जैमें ही गाली पुछंदा तो हिकड़ो आ 100 वाट जो बल्ब बियो आ 200 वाट जो बल्ब वधिक पावर लॉस के में थींदो या वधिक रेजिस्टेंस के जी हुंदी पैरेलल में लगायो था सीरीज में लगायो था उन हिसाब से ता पान जज कर सको था ठीक है तो ही हिकड़ो जो सिंपल कॉन्सेप्ट थियो ओके हाँ अचो ना वरी पान एकड़ी बी शय ते जेका ए ई एम एफ बो लफ्ज़ इस्तेमाल कबो आ टर्मिनल वोल्टेज बो लफ्ज़ इस्तेमाल कबो आ इंटरनल रेजिस्टेंस ही टई जा टई टर्मिनोलॉजी पा हाँ डिस्कस कंदासीं अच्छा ई एम एफ नाले में ज़ाहिर अस गाल क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ठीक ना अच्छा ही जो ई एम एफ जो टर्म आ ही आम तौर पर इस्तेमाल कबो है वोल्टेज ला या इन में पान गाल क्यों द पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ सोर्स सोर्स चबो आ या सिंपली पान चाहूँ बैटरी चबो आ तो कें भी बैटरी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कबो वो ई एम एफ अच्छा वरी टर्मिनल वोल्टेज वरी छा टर्मिनल वोल्टेज वरी वो तो द वोल्टेज अवेलेबल एट द टर्मिनल ऑफ बैटरी माना बैटरी के टर्मिनल से जो अवेलेबल वोल्टेज होंगे उनके पा टर्मिनल वोल्टेज होंगे हाँ हर बैटरी के अंदर पैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी तो उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस पा चाहूँ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जी होंगी ऑफ सेल या बैटरी इहा बुनियादी तौर पर इंटरनल रेजिस्टेंस समझी वेंदी है इं ठीक ना हाँ सादी गाल पा बुदायूँ मिसाल तौर पुट पा चाहूँ ही एकड़ी बैटरी आ या ही बुनियादी तौर पर एक सेल आ ठीक आ हाँ इन सेल या बैटरी जो टर्मिनल होंगे बड़ो पॉजिटिव टर्मिनल आ मिसाल तौर पा चाहूँ बो आ इनजो नेगेटिव टर्मिनल हाँ बुध लिखल इनके मथा लिखल आ फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट लिखल आ तो जो लिखल होंगे वो होंगे ई एम एफ ॾिसो न सेल जे मथां लिखियां 1.5 वोल्ट या 20 वोल्ट जी बैटरी आहे या 120 वोल्ट जी बैटरी आहे इन जो मतिलबु आहे जेको लिखियलु वोल्टेज आहे ओतिरो हू ॾेई सघे थो पर ओतिरो ॾेई सघंदो नाहे त जेतिरो ॾियण जी सलाहियत हुजे मतिलबु एबिलिटी या जेको अंदरि प्रोड्यूस थिए थो उनखे पाण जनरली चई सघूं था त उनजो ई एम एफ वारो वोल्टेज आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में ई एम एफ जो लफ़्ज़ असां इस्तेमालु कयूं था सोर्स सोर्स बुनियादी तौर ते अच्छा बैटरी बुनियादी तौर ते छा कंदी आहे केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कंदी आ छो जैसे बैटरी की गाल क्यों तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंदा जैसे इन प्लस माइनस पान में कनेक्ट कंदा तो रिडॉक्स रिएक्शन थींदो आ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नतीजे में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थींदी आ तो करंट फ्लो थींदो इहो टर्मिनल कनेक्ट था क्यों तदें जैसे टर्मिनल कनेक्शन कंदासीं मिसाल तौर ॾिसो असां छा था कयूं इते कोन को मूं वोल्ट मीटर लॻाए छॾियो वोल्ट मीटर लॻाए छॾियो या समझो मु कौन को लोड लगे छो जी तुम समझो तो टर्मिनल ते वोल्टेज पा मेयर क्यों तो होंद केतो ऐसो टर्मिनल ते वोल्टेज जो लिखल है ओतो कौन होंद मामूली घट हों 100% बैटरी वोल्टेज दीदी ना है
कुछ घट हों जो टर्मिनल से अवेलेबल वोल्टेज हों न उनके पा रखा वी इज इक्वल वाई आर तो वो वोल्टेज जो बैटरी के टर्मिनल से मौजूद हुए वो टर्मिनल वोल्टेज पर वो वोल्टेज जो इंटरनली प्रोड्यूस थे पो दे ही को सके उनके पा चाहिए EMF ठीक है न तो ये ब लफ्ज बेटा तक जहन में रखना पौधा ओके हाँ ढी सादी गाल भी समझ EMF जो बैटरी जो होंगे वो पान की लिखी सकूंगा वॉट इज द EMF ऑफ द बैटरी बैटरी जो EMF छे बराबर होंड़ो वोल्टेज वो जो टर्मिनल से मौजूद आ पल प्लस में बो वोल्टेज वरी वो जो अंदर अना तक मिलो ना छो वोल्टेज वो जो अस मिले पो न पर बो यो इंटरनली जया थी या ये समझो तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप थो तो गडियल तौर असान लिखूँ था वी प्लस आई इंटू आर ठीक ना वी इज इक्वल टू आई आर आ पर इनके अस लिखूँ था ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर हाँ ही वो EMF आको अस दूँ था ही वो वी आको सिंपली पा चूं तो टर्मिनल से मौजूद आ अच्छा इनजो मतलब यो थो तो EMF इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वोल्टेज इं हाँ इनके तक अगर सिंप्लीफाई कर तो लिखी सकते तो पुट वी इज इक्वल टू आई आर एडा वो आई आर सागो हाँ आई वो कॉमन आर प्लस आर थो तो EMF के लिखण जो तरीको बो भी आ जैसे पा इन तरीके से ही लिखी सकूँ हाँ इतना करंट ऑफ बैटरी केतरो मान बैटरी करंट पान के जो डे थी वो केतरो आई इज इक्वल टू EMF सागो आर प्लस आर लिखी कर करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी मालूम कर सको हाँ कंडीशन है कड़ी कंडीशन पुट थोड़ा ध्यान दियो जडे माना जैसे इफ बैटरी इज नॉट इन यूज जैसे बैटरी इस्तेमाल में ना है तो जाहिर टर्मिनल कनेक्टेड ही को बैटरी इस्तेमाल में ना माना टर्मिनल कनेक्टेड ही को जैसे टर्मिनल कनेक्टेड ही को करंट फ्लो थो ही को जैसे करंट फ्लो थो ही को तो रेजिस्टेंस होंगी को अपन गाल क्यों तो जैसे बैटरी कनेक्टेड ना होंगी तो करंट ही को हों तो रेजिस्टेंस भी को होंगी इंटरनली जैसे रेजिस्टेंस को हों तो ये फार्मूलो तक चवे ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू जीरो तो ई इज इक्वल टू वी इनजो मतलब यो थो तो उड़ी कंडीशन आ जैसे EMF आई टर्मिनल वोल्टेज पान में बराबर थी वादा तो गाल कहसी जैसे बैटरी इस्तेमाल में न हो बैटरी जैसे यूज में न हो तो यो थी सके पर बैटरी जैसे यूज में आ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगी पा EMF के पा इन तरीके से लिखूँ ठीक उठ हाँ बैटरी के ब किस्म जहा यूज हों माना बैटरी बिन तरीकन से जो सो इस्तेमाल कबी आ नंबर वन पैं यो तो जैसे वेन इट सप्लाईज करंट पैं यो जैसे बैटरी करंट दे अच्छा बो वरी यो वेन बैटरी ड्रॉज करंट करंट वे या बैटरी करंट दी या वी दी क्या जैसे तुम उनके इस्तेमाल कर वी क्या जैसे पा उनके चार्ज क्यों तो ब किस्म जहा तरीका ठीक उठ जैसे ही करंट दी तो बैटरी की लेवल किरंदी आ तो असान चाहूँगा डिस्चार्जिंग जैसे बैटरी करंट खुद वी तो डेफिनेटली बैटरी चार्जिंग मोड में आ ठीक ना हाँ एक मिनट पुट इन गाल पान थोड़ा वाजे क्यों था थोड़ा ध्यान दियो ही बुनियादी तौर पर ये समझो बैटरी आ बैटरी जैसे करंट दी तो करंट जो डायरेक्शन फ्रॉम द बैटरी आ तो अस EMF के लिखूँ था वी प्लस आई इंटू आर ये लिखो पर बो तरीको हो तो बैटरी करंट वी भी है जैसे तुम इनके चार्जिंग में लगा था ना तो बैटरी करंट वी भी है माना करंट जो डायरेक्शन दसो था हाँ रिवर्स आ करंट बैटरी के तरफ अचे तो पो जैसे बैटरी के तरफ अचे तो EMF के असं लिखासी वी माइनस आई आर एक वी प्लस आई आर बे में वही पा गाल वी माइनस आई आर तो वेन बैटरी इज सप्लाइंग द करंट ए बे में गाल वेन बैटरी ड्रॉज द करंट वे तो पुट जो सिंपल कॉन्सेप्ट आनजो ही है ठीक अच्छा सो ही तहन में रखो पव हाँ कदें कदें पान के वोल्टेज या करंट थोड़ा असें खे तो एकड़े सेल में मिसाल तौर कम नो थे जी वो रिमोट आ या जी टॉर्च होंगे इनमें चाहे तो अस मल्टीपल सेल भी पान में लगाइंदा
तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज में पान कड़ी गाल क्यों जैसे पान चौदा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सेल के केतर तरीक से कंबाइन कर सकते तो ढो सिंपल पुट सेल कैन बी कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ टू मेथड एक होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ए बो होंगे पैरल अच्छा सीरीज माना एंड टू एंड पुट एंड टू एंड जो मतलब यो तो मिसाल तौर चौदा ये एकड़ो सेल आ जैसी पैंजी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी इन सा बो सेल आनो जैसी पैंजी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी इन सा टो सेल आनो जैसी पैंजी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी ही ई वन आ ही ई टू आ हे ई थ्री इनकी पैंजी रेजिस्टेंस उनकी पैंजी रेजिस्टेंस इनकी पैंजी घना सेल आन कुल मिलाए कर टे हाँ इन क्यों था पान में कंबाइन थोड़ो गाल के समझो एकड़ो सेल आ हेस ती ही आी वरी बो सेल आ ही वरी टों सेल आ कुल मिलाए कर टे सेल आन तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तक बुधाया तो वोल्टेज एड थोड़े लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ तो जो नेट वोल्टेज होंद वो ईएमएफ अवां एड कयो जाहिर आ सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ अवां एड कंदा हो या वोल्टेज एड कंदा हो रेजिस्टेंस जेका हुंदी आ वो सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन में एड थींदी आ सिंपली तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पाण तॾहिं इस्तेमाल कयूं था जॾहिं असांजो वोल्टेज वधाइण जी ॻाल्हि करे टू इनक्रीज़ द वोल्टेज टू इनक्रीज़ द वोल्टेज सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन पर जेकॾहिं तव्हांखे पैरेलल में लॻाइणो पवे त बि लॻाए सघिजे थो तव्हां सेल पैरेलल में बि लॻाए सघो था पुटु पैरेलल जो मतिलबु इहो आहे त जेके बि सेल्स आहिनि न उन्हनि सभिनी जा पॉज़िटिव हिकिड़े हंधि आणो ऐं उन्हनि सभिनी जा नैगेटिव वरी ॿिए हंधि आणो हिन तरीक़े सां ॾिसो था ही आर वन आहे आर टू आहे आर थ्री आहे ई एम एफ वन ई एम एफ टू ई एम एफ थ्री त सीरीज़ में वरी करंट एड पंहिंजो पैरेलल में करंट एड थी वेंदो हिन जो करंट अलॻि आहे हिन जो करंट अलॻि आहे हिन जो करंट अलॻि आहे ख़बर आहे त हिते वरी पाण चवंदासीं नेट करंट अवां जो छा थियो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री त हिते पाण खे करंट वधीक मिलियो सीरीज़ में वोल्टेज वधंदो आहे हिन में वरी पाण चवंदा करंट वधीक मिलियो अच्छा पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ थींदी आहे तो फॉर्मूलो तव्हां लिखंदो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन आर थ्री माना पैरेलल कॉम्बिनेशन में ॻाल्हि करे सघिजे थी त करंट इनक्रीज़ थींदो आहे करंट इनक्रीज़ थींदो आहे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इनक्रीज़ थींदो आहे करंट सेम हुते वरी वोल्टेज सेम हूंदो त मुख़्तलिफ़ कॉम्बिनेशन असां इस्तेमालु करे सेल जो वोल्टेज या सेल जो करंट असां वधाए सघूं था ठीकु पुटु सो ही सिंपल कॉन्सेप्ट थियो कॉम्बिनेशन जो त बैटरी चार्जिंग मोड में आहे या बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में आहे इक्वेशन कहिड़ी यूज़ करणी पवंदी तमामु तरीक़े सां वठो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बि सेल हूंदा आहिनि त पैरेलल कॉम्बिनेशन में बि सेल हूंदा आहिनि सो पुटु इहो थियो तव्हांजो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीटेड अच्छा कोशिशि कजो पुटु हिन चैप्टर जा जेके बुक जा एग्ज़ाम्पल आहिनि उहे सभई इहे सभई तव्हांखे सॉल्व करणा पवंदा इहे सभई तव्हां सॉल्व कजो ठीकु आहे चैप्टर 13 कंप्लीट थियो हाणे पाण अचूं था चैप्टर नंबर 14 ते जंहिंजे लाइ तव्हां जेको ॻाल्हि कंदा अचो पिया जी बेटा लिखी वठो